अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में रोज़ा रखने की चंद हिकमतें आपके सामने पेश की जा रही हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, रोज़ा रखने से खाने पीने और शहवानी लज्जत यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर में कमी होती है। इससे हैवानी कुव्वत कम होती है और रूहानी कुव्वत ज़्यादा होती है। भूख और प्यास पर सब्र करने से इंसान को मुश्किलात और मसायब यानी कि मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र करने की आदत पड़ती है और मशक्क़त बर्दाश्त करने की मश्क यानी कि प्रैक्टिस होती है। खुद भूखा और प्यासा रहने से इंसान को दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होता है और फिर उसका दिल गुरबा, गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंद की तरफ माइल होता है। भूखा प्यासा रहने से इंसान का तकब्बुर टूटता है और उसे एहसास होता है कि वो खाने पीने की मामूली मकदार का किस कदर मोहताज है। भूखा रहने से जहन तेज़ होता है और बसरियत यानी देखने की कुव्वत काम करती है। शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है और भूख प्यास से शैतान के रास्ते तंग हो जाते हैं। इसी तरह रोज़ा से शैतान पर ज़र्ब यानी कि मार पड़ती है।